हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। एक्चुअली ये मेरा वीडियो जो है आज का वो हेयर केयर रूटीन का एक वीडियो है। अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि जब भी आप हेयर केयर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे मे बी ऑयलिंग और यू नो मास्क हो गए। एनीबडी थॉट अबाउट शैम्पू? देखो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है हेयर केयर रूटीन में वो आती है शैम्पू, क्योंकि अगर आपका शैम्पू अच्छा नहीं है ना तो जो बेसिक प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्योंकि पता है एक अच्छा शैम्पू जो होता है ना वो बेसिक प्रॉब्लम सच एज फ्रिजीनेस, ओके, डैंड्रफ, एक्सेसिव डैंड्रफ और यू नो ऑयल आ जाता है बालों में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना इसको आप यू नो इनिशियल लेवल पर अवॉइड कर सकते हो। तो एंड और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है, इफ़ यू हैव अ नॉर्मल हेयर, मतलब नॉर्मल इन द सेंस की इफ़ यू डोंट हैव अ केमिकल ट्रीटेड हेयर्स, नॉर्मल हेयर है तो यार आपके हेयर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। मे बी अगर वो शैम्पू आपको सूट नहीं किया तो हो सकता है आपको कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो, बट यार जब केमिकल ट्रीटेड हेयर्स की बात करते हो ना तो उनको ना केयर, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। नाउ बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ यार एक्स्ट्रा केयर मतलब यू नो होम रेमेडीज़ कर लो और पैक्स लगा लो, अंडा लगा लो, एलोवेरा लगा लो, दे आर फैबुलस थिंग्स, आई नो हमें लगाना चाहिए, बट क्या होता है ना इतना बिजी स्केड्यूल है ना आज के समय में सबका, कभी कभी नहीं मिलता यार टाइम, क्या करोगे आप ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जो आज बोलने वाली हूँ बेसिक चीज़ शैम्पू एंड कंडीशनर, ये दो चीज़ जो हमें हमारे यू नो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सब कुछ करेंगे हम बट ये चीज़ हमें क्या कर, हम ऐसा क्या चीज़ यूज़ करें जो कि हमारे यू नो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स को या मे बी कह लो नॉर्मल हेयर्स को भी अच्छे से रख सकें। तो मैं एक्चुअली आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि एंड सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूदनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट यू नो ऑप्टिकेयर सीरम। ओके आई स्टार्टेड यूजिंग लॉरियल, सो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग आई हैड अ ट्रमेंडस हेयर फॉल एट दैट टाइम। मैं बहुत डर गई थी, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे इतना हेयर फॉल कैसे हो सकता है। ओके तो एट दैट टाइम आई वॉज इन अ सर्च ऑफ ही मुझे कोई भी शैम्पू मिल जाए एंड मैं बस सर्च कर रही थी कि यार कहीं कुछ तो भी। मैंने मल्टीपल शैम्पूज ट्राई किया एक्चुअली, बहुत सारे, लॉरियल ट्राई किया, डव ट्राई किया, पैंटीन ट्राई किया। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड शैम्पू, मे बी दे आर नॉट गुड फॉर माई हेयर, तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। पैंटीन मे बी टू सम एक्सटेंट कंट्रोल हुआ था हेयरफॉल बट स्टिल बहुत हेयरफॉल होने लगा था मेरा। देन आई केम अक्रॉस वन डे आई वेंट टू अ पार्लर, मैट्रिक्स पार्लर ओनली, दे टोल्ड मी कि यार आप एक बार यूज़ करके देखो ये शैम्पू, ओके इट्स ऑप्टिक हेयर स्मूथ शैम्पू फॉर स्ट्रेट हेयर्स बट आप यूज़ करके देखो बिकॉज मेरे हेयर्स का टेक्स्चर एक्चुअली लिटिल बिट वेवी है बट है स्ट्रेट हेयर्स ही, सो आई थॉट चलो यार चांस ले लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मुझे पहले लगा कि यार दे आर प्रमोटिंग जस्ट देयर ब्रांड बिकॉज आई केम टू देयर पार्लर सो दे आर सेइंग लाइक दैट, बट स्टिल आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। सो मैं लेके आई, मैंने एक्चुअली इसके दो पैकेजिंग आता है एंड इससे बड़ा वाला भी आता है बट दो हैंडी पैकेजिंग है, एक है 200 ml एंड वन इज 350 ml। दिस वन इज़ द 350 ml पैकेजिंग, सो इट्स साइज इज़ लाइक दिस एंड ये जो है यू नो इसके भी दो तीन वेरियंट आते हैं बट मैंने 98 ग्राम्स का यही वाला लिया था क्योंकि यार आपको पता है कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बेसिस पे पहले ले तो लो फिर क्या करोगे वेस्ट हो जाएगा, तो आई हैव यू नो चूजन द स्मॉलेस्ट पैकेजिंग ऑफ द शैम्पू, तो वो मैंने ले लिया। सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट। यार जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है ना हेयर फॉल की सबसे ज़्यादा वो ये होती है ना कि अगर आपके बाल बहुत उलझते हैं तो वो ज़्यादा टूटेंगे, और जब आपके वेवी हेयर्स होते हैं ना या फिर वेवी स्ट्रेट हेयर होते हैं या कर्ली हेयर होते हैं, स्ट्रेट का छोड़ दो यार, स्ट्रेट भी उलझते हैं बट वेवी हेयर्स बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो क्या होता है ना यार, तो उस टाइम पे ना आप ये जो शैम्पू है ना इट हैज़ एक्टेड एज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एक्चुअली इससे अल्ट्रा स्मूद हो जाते हैं हेयर्स और बहुत कम उलझते हैं। तो यार मुझे ये चीज़ जब फर्स्ट सेकेंड टाइम में मैंने वॉश करना स्टार्ट किया ना मेरे हेयर्स बहुत स्मूथ थे क्योंकि मैं कलेक्टिवली कंडीशनर यूज़ कर रही थी। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि
ऐसा नहीं है कि आपको कंडीशनर यूज़ नहीं करना, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि कंडीशनर से हेयर वाइट होते हैं. बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कंडीशनर को लगाने का सही तरीका है कि कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना है. इसको टोटल सिर्फ यहाँ से हमारे हेयर्स के जो यू नो लेंथ है वहाँ तक नीचे तक अच्छे से लगाना है, बट इसको स्कैल्प पे नहीं लगाना है. ड्रॉबैक्स क्या है, अगर आप स्कैल्प पे लगाओगे यू विल फेस हेयर फॉल, यू विल फेस डैंड्रफ. तो और मे बी हो सकता है कि यू नो आपको हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम हो, बट अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे, सही तरीके से यूज़ करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आई यूज्ड इट, एक महीने बाद यू नो क्या रिजल्ट आया ना, आई कैन नॉट टेल यू. तब से लेके फ्रॉम लाइक उस टाइम तो मेरे केमिकली ट्रीटेड हेयर्स थे भी नहीं, मैं तब से ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ एंड आज शायद 5 साल हो चुका होगा एंड आई एम स्ट्रेट ऑन दिस शैम्पू ओनली. मैंने बीच में एक शैम्पू बदला था सनसिल्क, बट मुझे मज़ा नहीं आया, आई स्टार्ट अगेन स्टार्टेड यूजिंग दिस. तो मेरे लिए तो मतलब यू आई कैन नॉट इवन टेल यू कि ये शैम्पू कितना अच्छा साबित हुआ है. मे बी यू कैन गो फॉर इट, एक बार ट्राई करो यार, आपके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है. ठीक है, तो इसके अलावा जो एक और प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी आपसे, जो मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ, दैट इज़ सीरम. ओके, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट यू नो स्प्लिट एंड सीरम. मैं पहले बायोलेस के दूसरे सीरम यूज़ करती थी, बट अभी मैंने इसको ये स्टार्ट किया यूज़ करना. सच कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखा नहीं सीरम्स में. देखो, आई हैव यूज बॉडी शॉप सीरम्स ऑल्सो, आई हैव यूज स्ट्रीक, आई हैव यूज यू नो इसका बायोलेस वाला पार्ट, इसका ऑप्टिकेयर वाला पार्ट. बट ऐसा है कि आई बिलीव कि आप जिसका सीरम यूज़ कर रहे हो, जिसका शैम्पू यूज़ कर रहे हो, उसका सीरम भी यूज़ कर लो, देयर इज़ नो हार्म इन इट. हाँ, बस एक चीज़ इसकी अच्छी मुझे लगती है कि बहुत कम लगता है, काफ़ी अच्छे से स्मूथली फैलता है पूरे बालों पे, तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा कम लगेगा. एंड वन मोर प्लस पॉइंट इज़ दैट इट हैज शिया बटर, तो वो उसके कारण बाल बहुत नरिश्ड और शाइंड फील होता है, दिखता है, बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया रिगार्डिंग दिस शैम्पू एंड इट्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स. सो 5 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है किसी एक चीज़ का रिव्यू करने के लिए. आई थिंक सो आई थिंक आई हैव हेल्प यू पीपल जो केमिकली ट्रीटेड हेयर्स वाले हैं और जो नहीं भी हैं, दे कैन ऑल्सो यूज़ इट एज़ पर माई यू नो सजेशन. सो आई थिंक मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है एंड आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, औरों को शेयर करके बताओ कि यार मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो. एंड ज़रूर से नेट नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ताकि आप मेरे ऐसे वीडियोज़ को मिस ना करो. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ.